बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे जो डिजाइन जो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी तरीके से बनाया है वो गाइस, ये देखो ये जा रहा है सांप। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और गाइस, अभी फिलहाल आप देख रहे हो मैं किस जगह पे हूँ। एक डेजर्ट में आया था देखने के लिए कि क्या है, कैसा होता है। और सुबह लिफ्ट मांग मांग के फिर जैसलमेर से मैं यहाँ तक पहुँच गया था। और आप देख सकते हो चारों तरफ कुछ इस टाइप का है पूरा। और रेत है ना, बहुत ज़्यादा गर्म है। और लोग यहाँ पे ना अभी देख रहे हो कोई भी नहीं है, लेकिन शाम के टाइम बता रहे हैं यहाँ पे आसपास लोग, यहाँ पे हजारों लोग आते हैं। अभी ये दोपहर का टाइम है, और दोपहर के टाइम में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो घूम रहा है इस समय, वो हूँ मैं। और आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का होता है। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसी जगह पे आया हूँ, बस कुछ इस तरीके का है पूरा। और उधर से इधर इधर पूरा राउंड मार के चारों तरफ देखने आया था। मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, रेगिस्तान ही होगा बहुत बड़ा, लेकिन बस ये यहाँ तक है। शायद मुझे जिस जगह आना था मैं उस जगह पर ना आकर मैं कहीं और आ गया हूँ। तड़पती धूप से 3-4 घंटे का सफ़र करके 40 किलोमीटर आने में 3-4 घंटे लगे मेरे को, क्योंकि और यहाँ पे रेत भाई बहुत गर्म है। इसके अंदर पाँव डालूंगा ना ऐसा लग रहा है मैगी भी उबल जाएगी। ओह भाई बहुत गर्म है, मैगी का पतीला रख दूंगा खाना बन जाएगा, इतना गर्म है ये पूरा रेत। पूरा टूरिस्ट पॉइंट है। अभी शाम को यहाँ बहुत सारे लोग हो जाएंगे, और वहाँ पे झोपड़े से मैंने अपना वो सामान रखा हुआ है। अभी चलते हैं, रेत बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा। और पहले तो कहीं रुकने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि अभी 3:30 या 4 बज गए हैं, और रुकने की अगर व्यवस्था नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पे अभी अंधेरा है। और गाइस, पानी खोलता हुआ है मेरे पास, खोलता हुआ पानी है मेरे पास। पानी भी पूरा जो है ना वो मतलब बैग के पीछे लटका रखा है, पूरा पानी खोलता है। मतलब इतना गर्म है इस समय रेगिस्तानी, पूरा धूप में पूरा दिन ट्रैवल हो रहा है, और काला भी हो गया हूँ मुझे लग रहा है, ऐसा कैमरे में नज़र आ रहा है। और अभी चलते हैं, थोड़ा बैग वैग उठाते हैं, फिर निकल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ऐसे 2-2.5 किलोमीटर बाहर रोड पे जाना है मेरे को। आधा घंटा अभी पैदल चलना होगा, आधा घंटा पैदल चलने के बाद ही मेरे को कोई साधन मिले, ये भी पॉसिबल नहीं है कि बाहर तक मैं रोड तक पहुँच सकूँ, क्योंकि इधर आसपास कहीं पर भी गाड़ी इक्का तुक्का चलती है, ज़्यादा नहीं चलती है। तो ये यहाँ पे झोपड़ा है, यहाँ पे मैंने अपना बैग रखा था। तो ये भाई की गाड़ी है, सेटअप कर रहे हैं। भाई कितने रुपये लेता आप इसकी? 1000 रुपये लगता है। 1000 रुपये कितनी देर घुमाते हैं आप? 2 बंदे बैठा है, 3-4 किलोमीटर की राइडिंग मिलती है। अच्छा अच्छा, ये रेत के ऊपर ही राइडिंग करते हैं क्या? रेत के ऊपर। अच्छा अच्छा, तो ये कुछ इस टाइप की गाड़ी जाता है इसमें बाइक राइडिंग घूमने के लिए। ओके, अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह आ जाए तो अपना भेज देना। अच्छा, वो जीप सफारी। ओके, तो ये रखा बैग, अभी बैग उठाते हैं, अब चलते हैं बाहर की ओर रुकने की व्यवस्था ढूंढने। तो अभी भाई है बाहर तक के लिए लिफ्ट दिला रहे हैं। हेलो भैया, बाहर तक छोड़ दोगे क्या भैया? अच्छा, आ फ्री में भैया, मैं विदाउट मनी कर रहा हूँ, वरना मैं पीछे बैठ जाऊँ? अच्छा आगे बैठ जाऊँ? बैग पीछे, नहीं आगे, बैग आगे रख दो। ठीक है, थैंक यू भैया। तो ये रख दिया है हमने बैग, भाई ने हमें लिफ्ट दिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं, अब तक छोड़ देंगे मेरे को, ठीक है, वहाँ से जैसलमेर के लिए जो गाड़ियाँ जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग डेजर्ट से निकल रहे हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं, और कुछ इस टाइप की गाड़ी पे अभी लिफ्ट मिली है। यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा ना बाहर हाईवे? हाँ जी, 3-4 किलोमीटर बाहर हाईवे, और लिफ्ट मिल चुकी है, मैं आगे बैठा हुआ। देखो गाइस, रेत के ऊपर फिलहाल हम लोग चल रहे हैं, और कुछ इस तरीके से थार चल रही है। थार है ना भी ये? थार, थार है ये, देखो थार का ये वाला मॉडल। और भाई मज़ा आ रहा है गाइस बहुत ज़्यादा। और ये रेत के ऊपर चलने के लिए स्पेशल बनी है ना, 4x4 है ये गियर लग रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा मेरा पैर है जो दिक्कत दे रहा है। और ये देखो भाई साहब, कुछ इस तरीके का नज़ारा है भाई गाइस, मज़ा आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये देखो रेत के ऊपर चढ़ा के भाई, ये देखो भाई, ओए होए 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 होए, क्या बात है भाई, मज़ा आ रहा है गाइस बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अरे अरे गाइस 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 गई 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 गाइस, ओ भैया गाइस, भैया बड़े हैवी ड्राइवर है। ओ भाई
तो देखो गाइस आपको बाहर से दिखाऊंगा, तो ये देखो गई 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 थैंक यू सो मच भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ इस तरीके से लिफ्ट मांग मांग के ट्रैवल करना पड़ता है। और सच्ची यार, एक भी पेड़ होती है ना, पेड़ नाम की चीज़, कि रोड पे पेड़ हो कि मैं छाया ले लूँ, नहीं मिलेगा। दूर दूर तक कहीं जल्दी नहीं मिलेगा आपको, मिल जाएगा लेकिन जैसे साइड साइड में मिलेगा, लेकिन एकदम रोड पे नहीं मिलेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अपना 20 किलो का बैग लेकर निकलते हैं अब यहाँ से। जैसलमेर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि कोई लिफ्ट मिल जाए वहाँ। जैसलमेर में आने में आपको कैसा, अच्छा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया लोग हैं सर। नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी। तो आप ये थार वगैरह मतलब रेत के ऊपर चलाते हैं ना? ओके ओके ओके। तो अभी आप शाम को जाएंगे? ओके ओके। तो यहाँ पे ये सेम के अंदर थार पार्किंग है, पार्किंग है। ओके ओके, जीपों के लिए ये वाला चैनल है, आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। अभी फिलहाल यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं, कोई गाड़ी यहाँ से जैसलमेर की ओर जाएगी। तो यहाँ पे सभी लोग रुकवाने के लिए खड़े हो चुके हैं। मैं रोक लूंगा वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी जहाँ मैं गया था वो मेन है डेजर्ट। अच्छा, थार डेजर्ट है। अच्छा, डेजर्ट अलग अलग टाइप के होते हैं। कैम डेजर्ट, ओके ओके, सबका अलग अलग है। अच्छा अच्छा, तो मैं अभी जो गया था थार डेजर्ट में गया था, सबसे ज्यादा लोग वहीं पे जाते हैं। ओके ओके, अच्छा ओके ओके, हाँ चलो अच्छा है। थार में भी मैं आ रहा था ना, वो भैया बहुत अच्छी राइड कर रहे थे, थार के ऊपर डर लग रहा था, एकदम कुदा रहे थे ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर लिफ्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो फाइनली गाइस जैसलमेर पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच सर लिफ्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बैग निकाल लेता हूँ पीछे से, ठीक है? बैग रखा है अपना यहाँ पे, बैग एक से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। अभी हम लोग आए हैं रेन बसेरे में और थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, जैसा होगा यहाँ अगर ठहरना होगा तो ठहर जाएंगे, नहीं तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो अभी आ चुके हैं, ये पूरा रेन बसेरा है, आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया होगा और कुछ इस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस सर से मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। सर अभी मिले थे हमें, हमारे राजन भाई है, राजन सनातनी, तो उनसे कॉन्टैक्ट हुआ था। तो सर मिले तो सर ने बहुत ज़्यादा दोपहर में पूरा लिफ्ट विफ्ट मांगने में इतनी ज़्यादा हेल्प करी। और अभी वापस आया हूँ तो सर से सोचा मुलाकात हो जाए। और सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितनी हेल्प करी ना। तो गाइस ये है राजा का महल, आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अभी भी वो जो राजा हैं, जैसलमेर के राजा हैं जी। अच्छा, जैसलमेर के राजा 25-26 साल के, उनका नाम चेतने राजा जी है। ओके ओके, अभी भी हैं, रहते हैं श्री महाराज चेतने राजा जी है। अच्छा, बिल्कुल छोटे अवस्था में और वो यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, ये राजा जी का घर है, तो यहाँ पे राजा रहते हैं 26 साल के, आपने बताया जैसा कि। और यहाँ पे काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग भी हुई है। सर बता रहे हैं कि यहाँ पे अनिल कपूर जी यहाँ पे खड़े थे, कौन सी मूवी में? अच्छा, नाम याद नहीं, पर यहाँ पे खड़े थे। जैसे मैंने जो शूटिंग देखी मुझे याद है, नन्ना जैसलमेर और सरफरोश। अच्छा 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 अच्छा, अनिल कपूर की शूटिंग हो रखी है, पर नाम मालूम नहीं, नाम याद नहीं। तो अभी के टाइम पे ये जो राजा की फैमिली यहाँ पे रहते हैं। ओके, तो ये बच्चन पांडे की शूटिंग भी हो रखी है। हाँ जी, अच्छा यहाँ पे। और इसको पूरा म्यूजियम टाइप बना रखा है कि म्यूजियम टाइप और होटल बना रखा है। और ये है, आप देख सकते हैं पत्थर की पूरी पौधी। हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे एक एक जो पत्थर का जो मतलब बना रखा है ना, ये डिज़ाइन वगैरह ये हाथ से बना रखा है पूरा। हाँ जी, अच्छा ये पूरा हाथ से बना रखा है, दिखाता हूँ। अच्छा, ये पूरा सिंगल पत्थर है। ओके, ये पुराने पुराने ये संदूक है, पुराने संदूक कुछ इस टाइप के होते थे। ओके ओके ओके, ये पुराने संदूक, इसमें सामान वगैरह रखते होंगे पहले, छोटी वाली तोप है क्या ये? अच्छा, ये देखो गाइस, ये तोप हुआ करती थी पहले कुछ इस तरीके की। हाँ, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का मंदिर पैलेस। अच्छा, यहाँ पे बच्चन पांडे की मूवी की शूटिंग हुई थी। अच्छा, ये क्या नाम है इस जगह का?
नाचना हवेली। नाचना हवेली, नाचना राजा के चाचा जी का हवेली है। ओ, राजा जी के चाचा का हवेली है गाइस ये। और यहाँ पे हुई थी बच्चन पांडे मूवी की शूटिंग। यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं चारों तरफ ऐसा है। और यहाँ पे अभी यहाँ गाड़ी रखी हुई है। और वैसे यहाँ पे होता क्या क्या है? ये उनका महल है। महल है, अच्छा। और होटल में कन्वर्ट भी है और वो खुद रहते भी है। अच्छा, खुद रहते भी है, होटल में कन्वर्ट भी है। और ये पूरा महल है राजा जी के चाचा जी का। राजा जी के चाचा जी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इस साइड चलते हैं, इस साइड देखते हैं क्या है। वही छोटा सा। ओ मम्मी, राधे राधे। यह भी वो अक्षय कुमार की जो मूवी बनती है ना, वो अक्षय कुमार एक इंटू देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हीरो बनने के लिए वो इसी जगह। ओके ओके ओके, इसी जगह का सीन है। कौन सी मूवी है वो? बच्चन पांडे। बच्चन पांडे, ऊपर हवा करने के लिए। अच्छा, हवा करने के लिए। सामने जिनकी फोटो है वो कौन है? वो यहाँ के बालिक थे। अच्छा, बालिक। बालिक मींस मालिक, यहाँ की वो राजा है। अच्छा, राजा है। ओके ओके, आपको गाइस राजा जी की फोटो दिखाता हूँ यहाँ के। ये देख सकते हैं, ये भाई, ये यहाँ पे फोटो लगी हुई है कुछ इस तरीके से। और भाई यहाँ पे जो डिज़ाइन, जो यहाँ पे देखो कितनी अच्छी तरीके से बनाया है, ये हाथों से बनाया है। हाँ जी, पूरा ये नक्शा। अच्छा, ये जो हवेली है इसका पूरा नक्शा ये है। ओके, ये पूरा हाथ से बनाया गया होगा ना। ये देखो गाइस, ये पूरी हवेली का नक्शा है। ये पूरा कुछ इस तरीके की है, ये पूरी हवेली कुछ। हाँ, मूर्ति। ये देखो यहाँ पे तलवार है, यहाँ पे काफ़ी, मतलब देखने लायक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। ये जो शिप है ना गोल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत देखते हैं। पत्थर में निकलता है, इसको बोलते हैं जीवाणु। ओके, हाँ हाँ, ये पत्थर में निकलता है। काफ़ी साल पहले जैसलमेर में समुद्र हुआ करता था। जी जी जी, जीवाणु दब के वो फसल्स में कन्वर्ट हो गए। ये देखो, ये फसल्स रखे हुए हैं गाइस। ये देखो, ये तो बहुत पुराने होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये देखो फसल्स, मैंने डोरेमोन में देखा है लास्ट टाइम फसल्स निकालते हुए लोगों को। डोरेमोन कार्टून आता है, मैं वही देखता हूँ और कुछ नहीं देखता। ये सफारी के लिए, ये सफारी के लिए। ओके, ये तो काफ़ी पुरानी लग रही है। नहीं, पुरानी नहीं है, इनका रिसोर्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका रिसोर्ट है वहाँ पे। अच्छा, ओके 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 ओके। रिसोर्ट का नाम है, रिसोर्ट ऑफिस का नाम है ना। तो अब चलते हैं हम लोग बाहर की ओर। और सर ने दो चीज़ दिखाई हमें, दो जगह। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी फिलहाल हम लोग सनसेट पॉइंट पर आए हैं और यहाँ से कुछ इस टाइप का पूरा नज़ारा है। और यहाँ से देख सकते हो गाइस, पूरा जैसलमेर यहाँ से दिख रहा है। और देखो चारों तरफ एक भी अलग कलर नहीं है घर का, सारा गोल्ड है पूरा। इसको तभी गोल्डन सिटी कहा जाता है। देखो, ये देखो गाइस, दूर दूर तक। और वो सामने आपको दिख रहा होगा, ये किला है पूरा। कल हम लोग किले के अंदर रुके थे, जैसा कि आपको पता है। हमारे भाई थे तो भाई के होटल में रुके थे यहाँ पे। और ये देखो चारों तरफ नज़ारा, वो एयरफोर्स है। तो अभी सांप यहाँ से निकला है। क्या फन है ना सांप की? कापे नहीं रहा यार। ये देखो बैठा हुआ है, उसके फन भी है। ये देखो गाइस, ये देखो, ये जा रहा है, ये जा रहा सांप। क्या करेंगे सर इसका आप? कुछ नहीं। अच्छा, मारेंगे तो नहीं ना सर? हाँ, मारिएगा मत सर, मारिएगा मत सर। राधे राधे, मैं खुद पकड़ के छोड़ दूँ। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अच्छा, आपने पकड़ लिया, छोड़ दीजिएगा। राधे राधे। और अभी फिलहाल नीचे की तरफ चल रहे हैं, फोर्ट की तरफ। और अभी चलते हैं रेन बसेरा में। आज रुका हुआ हूँ रेन बसेरा में, रुकूंगा और वहीं पे बैठूंगा। और कल सुबह तनोट माता है यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर, तो अभी वहाँ जाऊँगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि अब रात हो गई है, कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तब तक के लिए ख्याल रखना, हरे कृष्णा, राधे राधे। और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ गाइस, शॉर्ट्स वीडियो देखा करो, शॉर्ट्स में आपको पता लगेगा कि मैं डेली कहाँ पर हूँ। शॉर्ट्स में मैं अपडेट दे देता हूँ, कभी लॉन्ग नहीं बना पाता, कभी लॉन्ग बनाता तो शॉर्ट्स नहीं बना पाता, ऐसे चलता रहता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखना। बाय गाइस, राधे राधे।